नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो है कोरोना वायरस की लाइव अपडेट के बारे में बताएंगे, साथ ही देश और दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर कौन सी बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है उनकी भी सटीक जानकारी देंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, पूरे देश में लॉकडाउन का समय है, ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से काफी महत्वपूर्ण और बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हो कि भारत में फैली कोरोना महामारी बिल्कुल खत्म हो जाए तो इस वीडियो पर दिल से एक जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो काफी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट लगातार मिल सके। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी पहली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस की लाइव अपडेट है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 6,535 नए मामले सामने आए और 146 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,45,380 हो चुकी है, जिसमें से 80,722 लोग सक्रिय हैं, जबकि 60,491 लोग ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही इस दौरान 4,167 लोगों की मौत भी हुई है। आज कर्नाटक में 100, राजस्थान में 76, ओडिशा में 79, आंध्र प्रदेश में 48, असम में 9 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में लगातार कोरोना के मरीज जो है बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में मोदी सरकार को 21 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाना चाहिए, आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर भारत दिल्ली समेत 5 राज्यों में रेड अलर्ट जारी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झुलसाने वाली गर्मी और उत्तर भारत के कई स्थानों पर पारा 45 डिग्री के पार जाने के बाद मौसम विभाग ने जो है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के लिए 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान पारा 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। साथ ही इन राज्यों में जो है बारिश से राहत की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही मालूम हो कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के लिए जो है पारा 47 से 48 डिग्री के पार जाएगा। वहीं पूरे उत्तर भारत के साथ ही दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के अंदर जो है काफी ज्यादा तापमान बढ़ने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 से 4 दिनों के लिए भारी गर्मी पड़ेगी पूरे उत्तर भारत में। इसी के साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि देश में 31 मई के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन, सरकार ने दिए हैं संकेत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं अब तक इस घातक वायरस की वजह से 4,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकारें लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से लगातार आगे बढ़ा रही है। फिलहाल देश लॉकडाउन के 4th चरण से गुजर रहा है जो 31 मई तक चलेगा। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या यह लॉकडाउन का अंतिम चरण होगा या फिर एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को सरकार आगे बढ़ाएगी। दरअसल मिल रहे संकेतों से तो ऐसा ही लग रहा है कि देश में 31 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन का 5वां चरण 1 जून से लगना शुरू हो जाएगा। इसका रंग रूप कैसा होगा ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। हालांकि कुछ राज्यों ने तो ये भी कह दिया है कि वो लॉकडाउन को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार ने अभी लॉकडाउन की तारीख को आगे बढ़ाने या फिर इसे समाप्त करने के बारे में किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन देश में कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह के बाद यही लग रहा है कि अभी सरकार लॉकडाउन को 31 मई के बाद भी आगे बढ़ाना जारी रखेगी। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों ने 31 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना, चंडीगढ़, तमिलनाडु और बिहार राज्य भी शामिल है। इसी के साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि ओडिशा में लोगों को मिली है राहत, इन शर्तों के साथ शुरू हुआ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओडिशा में कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा 1,350 को पार कर चुका है। हालांकि इसी बीच राज्य सरकार ने जो है अंतर राज्य परिवहन में मुख्य रूप से बसों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा और दोपहिया वाहनों की आवाजाही में छूट दे दी है ताकि लोगों को यात्रा करने में आसानी हो जाए। राज्य सरकार की तरफ से घोषित मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक कोविड-19 कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दोपहिया वाहन, निजी वाहन, ऑटो रिक्शा, आधिकारिक वाहन और टैक्सियां जैसे कि ओला, उबर आदि के संचालन को अनुमति दी गई है। हालांकि इस दौरान चार पहिया और ऑटो रिक्शा में चालक के
अलावा दो यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी जो है बसों का संचालन शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे पूरे देश के अंदर जो है सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोले जा रहे हैं। इसी के साथ ही बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि अब प्रतिदिन 40 लाइसेंस ही बनेंगे, 15 मिनट पहले पहुंचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों को भी बदल दिया है। अब केवल प्रतिदिन 40 लाइसेंस ही बन सकेंगे, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो परीक्षा आयोजित होती है उसके लिए परिवहन विभाग में हर दिन मात्र 40 लोगों को ही बुलाया जाएगा। इनको भी 15 मिनट पहले ही परिवहन कार्यालय में पहुंचना होगा। बाकायदा इनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, इसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। जिस तरह से पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट मिलता है, उसी प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया से लोगों को गुजरना पड़ेगा। अब हर जिले के DTO ऑफिस में विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले लोगों को कदम कदम पर फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। आवेदकों को तय समय से 15 मिनट पहले ही कार्यालय में एंट्री दी जाएगी। अब हर जिले में प्रतिदिन 40 से ज्यादा लाइसेंस नहीं बनवाए जा सकेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि दो माह बाद शुरू हुई है घरेलू उड़ान सेवा। यात्रियों ने पहना फेस शील्ड, PPE किट में एयर होस्टेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दो माह के इंतजार के बाद आखिरकार देश के विभिन्न राज्यों के लिए घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो चुकी है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट 6:50 पर रवाना हुई है। इस दौरान विमान में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की गई है। सभी यात्रियों को एयरलाइंस की तरफ से फेस कवर मास्क दिए गए हैं, जिसे पहनकर वे फ्लाइट में बैठे हैं। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट PPE किट पहनते हुए दिखाई दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जल्दी पूरे देश के अंदर घरेलू उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी। देश के कई शहरों में जो है घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे देश के बाहर भी जो है उड़ाने शुरू की जाएंगी। इसी के साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन 4.0 में कोरोना को मौका दे रही है राज्यों की ये लापरवाही, केंद्र की चेतावनी के लिए तैयार रहे राज्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में काफी राहत दी है। इसके साथ ही केंद्र ने जोन तय करने का अधिकार भी राज्यों को दिया है। नतीजा, कई राज्यों में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा। लॉकडाउन 4.0 में उनकी यह लापरवाही कोरोना संक्रमण को पांव पसारने का मौका दे रही है। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुकी है, जिसमें कहा गया है कि COVID-19 के प्रसार पर रोकथाम के लिए सरकार के दिशा निर्देशों में शामिल सभी उपायों का सख्ती से क्रियान्वयन अवश्य किया जाए। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो है राज्यों को फटकार लगाई है कि सरकार ने जो नियम तय किए हैं और सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार किया है उसी के मुताबिक जो है सभी कामों में छूट दी जाए, वरना कोरोना वायरस जो है पूरे देश में पैर पसार लेगा। इसी के साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर बाइक के पीछे किसी को बैठा है तो निरस्त हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, नई गाइडलाइन जारी है। जी हाँ दोस्तों, लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब कठोर कदम उठाने का फैसला किया है। नए नियम के तहत यदि किसी ने लॉकडाउन के दौरान अपनी बाइक पर किसी को बैठाया तो उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा सकती है। इस संबंध में सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जी हां दोस्तों, सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि देश के जिन जिलों में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं वहां पर बाइक पर 2 व्यक्ति के बैठने पर सख्त पाबंदी लागू रहेगी। सभी राज्यों को इसका सख्ती से पालन भी करना होगा। इसी के साथ ही दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि ग्रीन व ऑरेंज जोन में जुलाई में स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना है। अगले हफ्ते गाइडलाइन हो सकती है जारी। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक महामारी COVID-19 के लॉकडाउन के बाद जुलाई में स्कूल और कॉलेज खुल सकते हैं। हालांकि शिक्षण संस्थान खुलने पर प्राइमरी कक्षा तक के छात्रों को स्कूल आने पर रोक संभव होगी। दरअसल छोटे बच्चों को सामाजिक दूरी के साथ ही स्कूल परिसर में एक स्थान पर संभालना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए शिक्षण संस्थान बड़ी कक्षाओं को, जैसे कि 8वीं से 12वीं तक की कक्षा के छात्रों के साथ जो है स्कूल खुल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिक्षण संस्थानों को खोलने और दाखिले प्रवेश से तथा लेकर बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सेफ्टी गाइडलाइन तैयार कर ली है। इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को लेकर अलग अलग गाइडलाइन बनाई जाएंगी। उम्मीद है कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अगले हफ्ते तक इन सेफ्टी गाइडलाइन को जारी कर सकते हैं। उसके बाद जो स्कूल, कॉलेज वगैरह सभी खोल दी जाएंगी। इसी के साथ ही 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के छोटे बच्चों को जो है स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। इसी के साथ
साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि ट्रेन में भूख प्यास से तड़पकर मजदूर की मौत है, 62 घंटे के सफर में नहीं मिला खाना और पानी। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर निकल कर आ रही है कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से वाराणसी पहुंची ट्रेन में सवार जौनपुर के मछली शहर के एक यात्री की मौत हो गई। जी हां दोस्तों, सुबह ट्रेन के कैंट स्टेशन पहुंचने पर जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ट्रेन में भोजन और पानी का इंतजाम ठीक नहीं था। पहले से ही व्यक्ति की थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी और ट्रेन के लगातार लेट होने के चलते घबराहट बढ़ गई थी। करीब 62 घंटे के सफर के दौरान व्यक्ति को जो है ना तो खाने के लिए कुछ मिला ना ही पीने के लिए पानी मिला, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। जी हां दोस्तों, काफी दुखद खबर है कि सरकार ने जो है ट्रेनों के संचालन को तो शुरू कर दिया है, मजदूरों को घर पहुंचा रही है, लेकिन ट्रेन के अंदर जो है 60 से 70 घंटे की यात्रा की जा रही है, जिसके अंदर उन्हें पानी और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा, जिससे कि मजदूर लोगों को काफी ज्यादा परेशान है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, मुख्य जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों